तो हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप जैसा मन चाहे वैसा इमेज बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। उसके साथ साथ एआई के थ्रू इमेज बनाने के लिए आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स लिखना आना चाहिए, तो उसका भी बेस्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चाहे आप एक बिगिनर क्रिएटर हो या फिर कुछ दिनों से यूट्यूब पे या ऑनलाइन काम कर रहे हो, आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है क्लिप ड्रॉप एआई। सिंपली आप सर्च करेंगे, देखिए सबसे टॉप में ही आपको दिखेगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जस्ट आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक टूल मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा, जस्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो टूल आप देख रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल, इसके थ्रू आप जैसा मन चाहे वैसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और इमेज का वीडियो एडिटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। तो जस्ट देखिए, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर योर प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए इंटर योर प्रॉम्प्ट्स। अब आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने में दिक्कत होगा, बिकॉज इंग्लिश में लिखना है भाई, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे चैट जीपीटी के पास। यहाँ से इसको कट कीजिए और सर्च कीजिए चैट जीपीटी। अब इसके थ्रू हम लोग प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे। जैसे आप व्हाट्सअप पे अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं, वैसे ही आपको चैट जीपीटी से बात करना है बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश मतलब हम लोग हिंदी भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, तो उसी का यूज आपको यहाँ पे करना है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन आई। इसको आप ओपन करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है तो चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा, बट इससे पहले इसमें लॉगिन करना होता है, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक। तो लॉगिन आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक छोटा वीडियो बना दूंगा। चलिए, यहाँ पे जैसे आप व्हाट्सएप पे अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे चैट करते होंगे, उसी तरह आपको चैट जीपीटी से भी बात करना है, ये रिस्पॉन्ड करेगा। और मान लीजिए कि अगर आपको अपने फ्रेंड से बोलना होता कि मुझे एक इमेज बनानी है, तो आप उसको बताते ना कि मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए, सेम टू सेम आपको चैट जीपीटी से भी वही बोलना है, ठीक। हम सबसे पहले इसे पूछ लेते हैं, हेलो भाई बोलेंगे हम इसको, ठीक। भाई या दोस्त, जो कुछ आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बोल देते हैं, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हो, ये हम लिख देते हैं। अब देखिए, ये जरूर बोलेगा हाँ मैं आपके साथ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। अब हम लोग इसको बोलेंगे कि मुझे ऐसा इमेज बनाना है, ठीक। तो अब मैं लिखता हूँ, मुझे विराट कोहली की स्ट्रीट गली को इंग्लिश में स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट में क्रिकेट प्रैक्टिस करता दिखे, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा डालकर जो कुछ भी आपके माइंड में आए, जैसा भी आप इमेजिन करते हैं, यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कॉमा डालकर आप लिखिएगा, क्या आप इसके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट्स ये लिखिएगा बता सकते हो, ये आपको लिखना है और सेंड कर देना है। जस्ट देखिए क्या लिख रहा है, जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और यहां पे ये कुछ प्रॉम्प्ट्स आपको सजेस्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये प्रॉम्प्ट्स अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके सेव एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से जनरेट करना स्टार्ट करेगा। देखिए ये फिर से क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये भी प्रॉम्प्ट्स है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये प्रॉम्प्ट्स है जिसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है।
फिर से हम इसको रीजनरेट कर लेते हैं, यहाँ से सेव एंड सबमिट करते हैं, ये फिर से रीजनरेट करेगा। तो जस्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रॉम्प्ट ये आपको सजेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जस्ट मान लीजिए कि मुझे पहला या फिर हम ये वाला कॉपी करते हैं, लास्ट वाला प्रॉम्प्ट जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाना है। यहाँ से हम लोग चलेंगे अब क्रोम ब्राउजर में, ये तो मिल ही नहीं रहा, चलिए नीचे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लिप ड्रॉप AI। सिंपली आप सर्च करेंगे, सबसे टॉप वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आपको स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रॉम्प्ट पे आपको क्लिक करके और जो भी आपने वहाँ से कॉपी किया था पेस्ट करके और यहाँ पे जनरेट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्टाइल भी सेलेक्ट करने को आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक, तो स्टाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली पहले इसको जनरेट करके देख लेते हैं कि कैसा इमेज ये बना पाता है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड में जैसा भी कुछ आए, मतलब जो कुछ आए, जो कुछ भी आप इमेजिन करें उसको आप यहाँ से बना सकते हैं। तो सिंपली देखिए कुछ इस तरह का ये इमेज बनाया है, हालांकि उतना अच्छा तो नहीं बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट आपको सजेस्ट किया है, ट्राई कीजिएगा बार बार, मतलब कि अलग अलग प्रॉम्प्ट को आप ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल में, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इंटर प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। जस्ट हम लोग फिर से पेस्ट करते हैं, उसके बाद जनरेट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये कैसा इमेज बनाता है, इसको स्किप कर देते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं अब ये जो इमेज बनाया है ये बहुत बेस्ट इमेज है। सिंपली आप ये वाला इमेज देखिए कितना बढ़िया इमेज है, सिंपली आप देख सकते हैं उसके साथ। हालांकि इसमें विराट कोहली का चेहरा कुछ उतना भी परफेक्ट नहीं बनाया है, बट फिर भी ठीक है। अगर इस इमेज को आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद इधर और देख लेते हैं, इसमें विराट कोहली लगभग ठीक है, ठीक। सिंपली आप देख सकते हैं इसमें विराट कोहली का इमेज जो है ये देखिए, इसमें भी लगभग ठीक है। तो कुछ इस तरह का इमेज आप AI के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे और दूसरा इमेज चाहिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे लायन, मतलब शेर का, शेर की इमेज बनानी है, कोमा देंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या आप इसके लिए हो, ये हमने लिखा और सेंड किया। जस्ट ये देखिए फिर से प्रॉम्प्ट्स बताएगा और यहाँ हम फिर से कॉपी करते हैं किसी भी एक प्रॉम्प्ट को, जस्ट हम इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से क्लिप ड्रॉप AI में यहाँ पे आना है, देखिए, और मैं पहले भी आपको बता दिया इस पर क्लिक करके आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। बैक करते हैं, फिर बैक करते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है इसके जगह पे हम लोग दूसरा डालेंगे। तो सबसे पहले इन सभी को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट करते हैं, उसके बाद जनरेट करेंगे। जस्ट देखिए ये फिर से यहाँ पे इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से आप जितना मन चाहे उतना इमेज जनरेट कर सकते हैं, बट इसमें भी डेली का कुछ लिमिट होता है, ठीक। तो देखिए ये कैसा इमेज बनाया है, हालांकि फिर भी बहुत बेस्ट इमेज बनाया है। अब देखिए अगर आप मोटिवेशनल वीडियोज बनाते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोज के लिए यहां से आप बहुत बेस्ट इमेज जनरेट करके अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो सिंपली आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का ये इमेज बना रहा है। और यहां पे देखिए यहां पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है नो स्टाइल का, ठीक। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग स्टाइल में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एनालॉग फिल्म, फैंटेसी आर्ट, जस्ट हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फैंटेसी आर्ट मैंने सेलेक्ट किया और रीजनरेट ऑल इमेज पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए अलग स्टाइल में आपको इमेज जनरेट करके देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका जो भी इमेजिनेशन है आप ChatGPT में लिख देंगे, जैसे आप अपने दोस्त को मान लीजिए बता रहे हैं, लिख देंगे और बोलेंगे कि प्रॉम्प्ट्स लिख दो इसके लिए, वो प्रॉम्प्ट्स लिख कर देगा, उसके बाद उस प्रॉम्प्ट्स के हेल्प से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। देखिए कितना बेस्ट इमेज बनाया है,
सिंपली आप देख सकते हैं कितना बेस्ट इमेज ये बनाया है, और यहाँ से डाउनलोड SD पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट या हम लोग इस पर क्लिक करके रखेंगे, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लिए। फिर हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, ये तो मैं कम्प्लीट ही बैक हो गया। तो मतलब मैं जो भी प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप जितना मन चाहे उतना AI इमेज बना सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।